इंग्लिश की एक बहुत ही शानदार कहावत है कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स इन टू द क्वालिटी ऑफ योर थॉट, यानी कि आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके थॉट की क्वालिटी, आपकी सोच की क्वालिटी कितनी अच्छी है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं अफर्मेशंस, क्या होता है सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक करके आप कैसे अपनी नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपके बिलीव सिस्टम का कितना ज़्यादा रोल होता है आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, आपके पर्सनल, आपके सोशल लाइफ में। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक बहरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और कमेंट में आके मुझे बताना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। सोच बनाए जिंदगी, जैसा आप अंदर होगे वैसा ही आपकी जिंदगी बाहर होगी, जिस तरह के थॉट्स आप अंदर बनाओगे वैसे ही मैनिफेस्टेशन बाहर होगा, जिस तरह आप अपनी जिंदगी को अपनी इनर वर्ल्ड में तैयार करोगे वैसे ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपकी लाइफ बनेगी। इस तरह की हजारों कहावत आपने सुना है। इन सारी कहावत के अंदर जो सोर्स है, जो स्रोत है, जो कोर है, वो ये कि आप किस तरह की कहानी अपने अंदर बनाते हैं, किस तरह की कहानी अपने अंदर सुनाते हैं, किस तरह का विजुलाइजेशन आप करते हो, किस तरह के अंदर में जो आपके 5 सेंसेस चल रहे हैं ना, आप अंदर सुन भी रहे हो, अंदर सोच भी रहे हो, अंदर महसूस भी कर रहे हो, किस तरह की चीज़ें महसूस करते हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती ओनली वन थिंग, सेल्फ टॉक। आप कैसी कहानी खुद को सुना रहे हो, और सेल्फ टॉक अपने आप में एक बहुत ही शानदार जर्नी है। शुरुआत में लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब आप सेल्फ टॉक धीरे धीरे करना शुरू करते हो, जीरो से शुरू करते हो, और जब आप प्रो होते हो, तो आप देखो कि जैसा जैसा आप अपने आप को सुना रहे हो, जैसा जैसा आप अपने आप को बता रहे हो, आपकी लाइफ वैसी वैसी बन रही है। अजीब है सुनने में, लेकिन सच है, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी लाइफ उनके मन मुताबिक है, जिनकी लाइफ वैसी है जिसकी लाइफ जैसी लाइफ का सपना आप देखते हो। हर तरह के सक्सेसफुल लोग, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, हर फील्ड में लोग सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने अपने आप को सही कहानी सुनाई, वो लोगों ने सही बात अपने आप से समझी, अपने आप को रोज़ मोटिवेट करते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है उन्हें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई आके उनसे अच्छी बात कहे, किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके उनसे ये कहे कि भाई तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी म्यूज़िक अच्छा है, तुम्हारा प्लेइंग अच्छा है, तुम्हारा गेम अच्छा है, तुम अच्छा कर सकते हो, ये बोल सुनने की उनको किसी और से ज़रूरत नहीं, वो खुद कर रहे हैं अपने अंदर। तो सेल्फ टॉक के फ़ायदों को आप समझ चुके हो, उसकी क्वालिटी को आप समझ चुके हो, उसके फ़ायदे का हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं समझ चुके हो, लेकिन कैसे करना है ये आने वाले पॉइंट में आपको डिटेल में समझाऊंगा। 60,000 विचार हमारे दिमाग में रोज़ आते हैं, ये 60,000 विचार भी अपने आप में अफर्मेशंस ही हैं, सेल्फ टॉक ही हैं, जो कहानी है ना ये हमारे दिमाग में जो आ रही है, ये भी हमारे माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारी साइकोलॉजी को, हमारे रिश्तों को, हमारे बिजनेस को, हमारे काम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन इस सेल्फ टॉक के अंदर ही आते हैं। आप कैसी कहानी खुद को सुना रहे हैं, अगर कोई लड़ाई हो गई, कोई छोड़ के चला गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई मर गया, कोई ज़िंदगी में कुछ चीज़ हार गया, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, कुछ भी, उसकी वजह से टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन है, आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर अंदर आपकी हालत ख़राब है, तो आप डीप कोर में जाकर सोचो, आप उस इवेंट की वजह से नहीं परेशान हो, अभी क्या कहानी अंदर चल रही है इस वजह से परेशान हो। अब ये ऑटो पायलट मोड में हो रहा है, देखना यार, यहाँ मैंने एक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ये दोनों आपस में बात करते हैं, जब भी लाइफ में कोई इवेंट हुआ होगा ना, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और कैसे भी करके ये आपको सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी हर हरकत में आपको सही बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसके लिए ये आपस में बहस करते हैं, एक बंदा लॉजिकल बात को करता है और एक बंदा उस बात को कहता है जो कि आप सुनना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए रात को सोच के सोए हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह उठ के कुछ ना कुछ सेल्फ टॉक हो जाता है कि जल्दी उठ के क्या ही करेंगे, ठीक है ना 9 बजे उठ के भी तो काम हो जाएगा, जल्दी ऑफिस पहुंच जाएंगे, जल्दी धंधे पे पहुंच जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, सुबह वर्कआउट करके एक दिन में क्या ही हो जाएगा, ये सारे सेल्फ टॉक हैं। अगर आप उसी टाइम पे उठ के अपने आप को सेल्फ टॉक करेक्ट करके अपने आप को समझाएं, तो देखना कुछ ही दिनों में ऐसा होगा कि आप वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप रात को सोच के सोए थे।
अंदर ही अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक भी तो हो रहा है यार, कि हाँ मेरे पास वैसी घड़ी नहीं है, कि हाँ मेरे पास वैसा शर्ट नहीं है, हाँ मेरे इंस्टाग्राम में उतने फॉलोअर्स नहीं है, हाँ मेरे यूट्यूब में ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, हाँ मेरे अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ मैं थोड़ा रंग मेरा काला है, हाँ मेरे बाल अच्छे नहीं है, हाँ मेरे शूज़ उतने अच्छे नहीं है, हाँ मेरे पास उतनी अच्छी कार नहीं है, सारे क्या है, सेल्फ टॉक है। और जैसे ही जैसे सेल्फ टॉक अपने अंदर चल रहा होता है ना, हमारी लाइफ में वैसी वैसी चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो रही होती है। तो अपने आप को अगर आप सही सेल्फ टॉक दोगे, सही बातें समझाओगे, सही बातें कहोगे, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो हमारे अंदर चल रहा होगा ना, वैसे ही हमारी हरकतें होंगी, वैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, वैसे ही हमारी हमारा कैरेक्टर होगा, हमारे बोलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, हर चीज़ उन विचारों से ऑपरेट होगा जो कि ऑटो पायलट मोड में होता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब कहाँ कैसे गलतियाँ कर दी। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं उस सेल्फ टॉक की बात कर रहा हूँ जो आप आज करना चाहते हो, जो आप अगले एक हफ्ते में करना चाहते हो, वो जो आप एक महीने में करना चाहते हो, वैसी बातें अपने आप को बार बार कहना है। अब आप मुझसे कहोगे कि यार मेरे आसपास तो बहुत नेगेटिव लोग रहते हैं, मेरे दोस्त इतने नेगेटिव हैं, मेरे फैमिली वाले इतने नेगेटिव हैं, मैं अपने आप को पॉजिटिव कर ही नहीं सकता, मैं अपने आप को अच्छा थॉट देने की कोशिश भी करूँ तो भी ये लोग मुझे आके ख़राब करते हैं। भाई मेरे समझो, भगवान बुद्धा ने एक बार एक कहानी के थ्रू कहा था कि वो मुझे गाली दे रहा है लेकिन मैं तो नहीं ले रहा हूँ। वैसे ही वो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं लेकिन आप सुनो मत ना, मैं कान बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने अंदर एक चौकीदार बैठाओ कि वो लोग बकवास कर रहे हैं, कि वो लोग बकवास कर रहे हैं, वो लोग बकवास कर रहे हैं, वो लोग बकवास कर रहे हैं। अगर बार बार आप उनको ये समझोगे, अपने दिमाग को समझाओगे, सारे लोग बकवास कर रहे हैं अंदर, क्या मेरे को करना है, क्या मेरे को सोचना है, मेरे को पता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। आपके कान का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो, ये आपको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो आपके कान में क्या घुसना चाहिए, अंदर क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसका सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए ब्रो। सेल्फ टॉक का एक्सपीरियंस कैसे करें? इनिशियली तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, इनिशियल स्टेज में आपको मेडिटेशन से शुरू करना चाहिए। आराम से ध्यान लगा के बैठो, आँख कान बंद करो और अपने आप से अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू करो। अगर अच्छी अच्छी बातें अपने आप से नहीं कह सकते तो YouTube में हज़ारों अफर्मेशंस बैठे पड़े हैं, रखे हुए हैं, डाउनलोड करो, सुनो, कान पे लगाओ, सुनो, हाँ कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हो रहा हूँ, मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मैं डांस बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, मैं लोगों से बातें बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, सोसाइटी में मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं दिन ब दिन और हैंडसम होता जा रहा हूँ, दिन ब दिन और गुड लुकिंग होता जा रहा हूँ, दिन ब दिन और फिट होता जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फ टॉक। अफर्मेशन के थ्रू सेल्फ टॉक शुरू करो, फिर आप देखोगे कि दिन भर आप खुद ही अपने आप से वैसी वैसी बातें करना शुरू कर दोगे। जब भी कोई नेगेटिव बात सामने आएगी, रोको और बोलो नहीं ये ऐसा नहीं, इसमें ये फ़ायदे की बात है और इससे आप रखो। हज़ारों बातें हो सकती है, कोई आपको बोलेगा यार तेरी शर्ट आज तेरे शर्ट जच नहीं रहा है तेरे को, अब आप दुखी हो गए, ये शर्ट मेरे को जच नहीं रहा ना। अपने आप को बोलो अरे वो गधा है, वो सिर्फ अपनी सोच बता रहा है, ये शर्ट तेरे में बहुत अच्छी जचती है, देख आईने में, देख आईने में, देख ये शर्ट तेरे में बहुत अच्छी जचती है, ये है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, समझे? दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार आपको दुनिया के भले के बारे में सोचना है, समाज के भले के बारे में ना, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आप उस चीज़ के बारे में सोचो, उस चीज़ के बारे में अपने आप से बात करो जो आप एक्चुअली चाहते हो, समझे? तो चलो यार आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में और बेहतरीन बातें करते रहेंगे। अपने रिलेशनशिप को और कैसे आप अच्छा कर सकते हो, इसके लिए मैं शानदार बिहेवियरल साइकोलॉजी के टिप्स लेकर आऊँगा। मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।